और मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है, और मैं उन सभी लोगों का कमेंट का जवाब अगली वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में आप सभी को जवाब दूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग को जवाब देना ऐसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हो आप सब? तो मॉर्निंग हो चुकी है, पीछे देख सकते हो कितना धुंध जैसा मौसम हो चुका है, यानी कि ठंडी पड़ने लगा है इस वक्त मुंबई में, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, अभी मैं हाफ बाजू में हूँ, वैसे ठंडा मुझे भी लग रहा है, लेकिन ठंडा लगना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी लग ही रहा है इस वक्त। तो भाई साहब, इस वक्त मॉर्निंग हो चुका है, लोग अपने अपने कामों में जा रहे हैं, बैकग्राउंड में देख लो, मेन हाईवे है, रोड है। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, नाश्ता करने के बाद फिर साइड पे चलते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं साइड पे सीधा। हेलो हेलो जी, क्या हाल चाल? तो इस वक्त आ चुके हैं साइड पे, ठीक है, और इस वक्त साइड पे बिल्कुल भी आ चुके हैं, संडे आज, सुन रहे होंगे आवाज़ कितनी ज़्यादा हो रही है इस वक्त, आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। साइड पे सभी लोग एकदम जोश में बिल्कुल भी आ चुके हैं और सभी एकदम मस्ती में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त हम चलते हैं टॉप पे, बिल्डिंग में चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम निकल रहा है इस वक्त, तो जाकर देखना पड़ेगा क्या कुछ चल रहा है। और सभी स्टाफ जितने साहब हैं सभी आ चुके हैं, ठीक है। तो इस वक्त धूप बहुत ज़्यादा निकल गया है और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जब मौसम अच्छा नहीं रहता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, ठंडी लगती है। यहाँ पे किसी ने लिख दिया है 2023 चला गया है, 2024 आ गया है। तो चलते हैं बिल्डिंग में और सारे काम देखते हैं कितना कुछ निकला है, कुछ आगे का प्रोसेस हुआ है भी या नहीं, सारी चीज़ देखना पड़ेगा। और संडे को दिन हाफ डे चलता है, लेकिन कभी कभी चलता है पूरा पूरा दिन, ऐसा इसलिए क्योंकि जब काम कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा तो उसमें ऐसे करने पड़ते हैं, तो सभी को आने पड़ेंगे, सभी काम करेंगे तो ही काम आगे निकलेगी, और जब काम आगे नहीं निकलेगी तो पैसे का भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे कि हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सके। तो चलो चलते हैं बिल्डिंग में, और इस वक्त दूसरे फ्लोर पे भी आ गए, ठीक है। पीछे पीछे वांडिया आ रहा है, वांडिया को सप्लाई देना होगा शायद से, लाइट जा रहा है नीचे लगाने, क्योंकि नीचे लाइट की बहुत ही सख्त जरूरत है इस वक्त। बिल्डिंग में आ चुके, ठीक है। आपने देखा था कॉलम बने हुए थे, उसके सरिया वगैरह, ठीक है, सरिया दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे सरिया आपको दिखेगा नहीं, सारा सरिया को बिल्कुल भी माइमन के द्वारा ढका जा रहा है, और इस वक्त थोड़े ही समय में बिल्कुल भी कंप्लीट हो जाएगा। एक से दो दिन अगर गए तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोग एकदम मन से बिल्कुल भी काम करते हैं, ये सब लाइन में काम करेंगे तो वही पैसे मिलेंगे, वरना काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही तेज काम होता है, पलाई जो होता है पलाई से भी तेज काम होता है माइवन में, क्योंकि पलाई में शटरिंग बनाना है, उसे बांधी मारना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पिन वगैरह मारना है। ये बनाने के बाद इसमें पिन वगैरह मारेंगे और ये तुरंत से कंप्लीट हो जाता है। तो इस वक्त चलते हैं क्रेन पे, बाकी की बातें क्रेन पे ही करते हैं, और आज संडे कुछ सवाल और कुछ जवाब भी देने वाले हैं, तो कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं क्रेन पे। संडे को क्या कुछ चलता है, ज़्यादा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आधा अधूरा कल का काम रह गया था, ठीक है। लगभग 3 से 4 दिनों से ऐसा ही कुछ हो रहा है कि मतलब सप्लाई बराबर नहीं मिल रहा है कॉन्क्रीट का, या तो फिर किसी और रीजन से हो जाता है, कभी पंप खराब हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ रीजन ऐसे लग जाते हैं। और इस वक्त आज है संडे, और आज 4 से 5 गाड़ी का बिल्कुल भी कंप्लीट होने वाला है, कंक्रीट होने वाला है, लगभग 2 गाड़ी बिल्कुल भी प्लांट छोड़ चुका है। तो इस वक्त देख लो भाई साइड पे कैसा कुछ चल रहा है। तो इस वक्त वाकई में काम होने वाला है, और काम होगा तो ही आगे का बात बनेगा, और वो सभी कंप्लीट कर रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त देख लो भाई, इस वक्त ये स्लैब भी कंप्लीट हो चुका है, कल के दिन देखा था आपने, खाली खाली था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे कंप्लीट किया जाएगा, और थोड़े समय के बाद बिल्कुल भी कंक्रीट स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी बताओ कहाँ कहाँ से देख रहे हो, और आज संडे है तो आपके यहाँ क्या कुछ चल रहा है, अगर आप वाकई में काम करते हो किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन लाइन में, या फिर क्रेन चलाते हो, तो कमेंट करके जरूर से बताइए संडे का क्या कुछ चलता है आपके यहाँ। हमारे यहाँ तो फिलहाल यही चल रहा है, और मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है,
और मैं उन सभी लोगों का कमेंट का जवाब अगली वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में आप सभी को जवाब दूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग को जवाब देना ऐसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आप सभी को अगली वीडियो में Q&A करूंगा, Q&A भरा वीडियो आने वाला है, तो वो वीडियो मिस मत करना। और आप सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट दूंगा, आप सभी के लिए जानकारी के लिए मुताबिक मैं बताऊंगा, और उसमें आप अपनी रिप्लाई और अपनी राय जरूर से दीजिएगा। तो इस वक्त क्रेन वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी की बातें आगे करते हैं। तो इस वक्त टाइम होने जा रहा है लगभग 12:30, ठीक है, और आधे घंटे के बाद थोड़े से और कॉन्क्रीट आने वाली है, यानी कि एक गाड़ी का और कॉन्क्रीट होने वाला है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि चार गाड़ी शायद खाली हुआ है, तो चार गाड़ी में से थोड़े आधा दूरा बच गए, यानी कि 2-3 MPU बिल्कुल भी आने वाला है, और जिससे कि बिल्कुल भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये सब, लेकिन ये जो स्लैब है वो बिल्कुल भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद भराई काफी समय के बाद आने वाला है, यानी कि एक हफ्ते के आसपास में ही आ जाएगा। लेकिन एक वाइप देख लो, जो कि दोपहर में भी ठंडी लगने लगे थोड़े थोड़े, और कह सकते हो कि हाँ मौसम बदलता रहता है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी धूप निकल चुका है। तो इस वक्त देख लो भाई क्या वाइब है, एकदम अमेजिंग लेवल। सामने भी बिल्डिंगें दिख रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी दिख रही होंगी आपको। यहाँ पे देख सकते हो एकदम दूर, एकदम बहुत ही बड़ा सा जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वहां पे भी क्रेन लगा हुआ है। और यह है मुंबई, समझ रहे हो, ये मुंबई है। और यहाँ पे ये तो कुछ भी नहीं है, कभी समय मिलता है तो मैं पूरी अच्छे खासे से मुंबई आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ कहाँ घूम चुका हूँ। और मैं बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आपको देखना हो तो देख लेना। देखो ऑकी टॉकी भी इस वक्त बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे चैनल जितने हैं मुझे लग रहा है सब भरे हुए हैं, और अपने ही चैनल में कई सारे लोगों के आवाज भी आने लग जाते हैं। तो सबसे पहले बात यह कि कई सारे लोगों ने जिन जिन सवालों का जवाब चाहते हैं, मैं उनको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि कल के दिन होगा, वो Q&A करके रहेगा, टावर क्रेन Q&A या फिर कुछ इस तरीके से मैं लिख दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा वो वाला वीडियो, और जिससे कि बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस मैं आप सभी को देने वाला हूँ। मेरे अंदर, मैं भले ही उतना नॉलेज नहीं है मेरे को क्रेन के बारे में, मतलब अलग अलग तरीके की क्रेन के बारे में आप बोलते हैं, जैसे मोबाइल क्रेन हो गया, क्राउलर क्रेन हो गया, मतलब तमाम तरह की क्रेनें आती रहती है, उन सारी चीजों के बारे में आप मैसेज करते रहते हो, मैं सारी चीजों के बारे में आप सबको रिप्लाई करूंगा। लेकिन क्या है कि उसका सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा कि आखिर रीजन किस लिए और किस लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि रियलिटी में आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। बस आप सपोर्ट और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए जिस तरीके से दे रहे हो, और मैं देख रहा हूं कि कई सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मैंने जैसे कि आप सभी को बताया था कि सामने में एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, वहां पे लोग क्रिकेट खेलने आते हैं। तो देखो अभी सभी लोग पहुंच चुके हैं, और आज है संडे, तो यहाँ पे प्लेग्राउंड में देख सकते हो काफी सारे लोग इस वक्त आ गए हैं, और प्लेग्राउंड में काफी सारे लोग इस वक्त खेल भी रहे हैं। तो हमारा खेलने का समय तो है नहीं और हम खेल भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे क्रिकेट बिल्कुल भी उतना कोई खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं खेलता भी नहीं हूँ। देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्रिकेट देखना पसंद है, लेकिन कब, जब इंडिया पाकिस्तान, मतलब कुछ ऐसा तगड़ा मैच होता है तब देखने में मजा आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने लास्ट टाइम जो मैच देखा था वो फाइनल का देखा था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जो मुझे बहुत ही पसंद आया था, जो ICC वर्ल्ड कप का हुआ था वो मुझे बहुत पसंद आया था। फिर उसके बाद से फिर मैंने कोई मैच नहीं देखे, यानी कि शुरू से अंत तक कोई सा भी मैच नहीं देखा, और ना ही उससे पहले ही देखा था। वो मेरा फर्स्ट था जो मैंने पूरा एंड तक मैच देखा था, बहुत ही मजा आया था, लेकिन थोड़ा दुख भी हुआ था, जो कि भारत बहुत ज्यादा मुश्किलों में आ गई थी उस टीम की, जिसके लिए मोदी जी भी मिलने गए थे। आप सभी ने देखा था, नहीं देखा था कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो गाइस क्या हाल है सभी के, बढ़िया। तो गाइस इस वक्त हो चुका है शाम, पता है आप सभी को संडे है, और संडे को ज्यादा काम नहीं चलता है, तो फिलहाल हमारा भी ज्यादा काम नहीं चला था, थोड़े मोड़े ही काम चले थे, लेकिन इस वक्त यानी कि शाम हो चुका है बिल्कुल भी, सभी लोग 2-3 बजे के आसपास चले गए थे, आज संडे भी था, ज्यादा कोई काम नहीं था, लेकिन इस वक्त बिल्कुल नाइट हो चुका है, और इस वक्त मैं आप सभी को बता दूं कि बाहर से खाना लाना पड़ गया था, ठीक है। तो बाहर से खाना लाया, और अभी खाने का टाइम बिल्कुल भी हो चुका है, 8 बजने में जा रहा है, और मैं हालांकि बहुत ही जल्दी खाना खा लेता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा लेट ना करते हुए मैं जल्दी खा लेता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे खा पी के थोड़ा आराम भी करना पड़ता है, और सुबह जल्दी उठना भी पड़ता है ताकि कुछ और काम कर सकूं, ठीक है। तो मेरे कई सारे चैनल हैं, जैसे कि 2-3 चैनल है लगभग, और दोनों तीनों पे मैं वर्क इस वक्त कर ही रहा हूँ, थोड़े मेहनत करना पड़ता है, अगर मेहनत नहीं करता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके लिए दोनों तीनों चैनल पे काम करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की एक्टिविटीज जो अच्छी खासी हुई,
लेकिन कल की जो अगली वीडियो होने वाली है मैं उस पर आप सभी को ठीक इसी जगह पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस काम में कितने पैसे मिलते हैं और काम करना भी चाहिए या फिर नहीं, आखिर मेहनत कितने पड़ते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों ने कमेंट किया था और काफी सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि भाई मुझे जॉब दिला दो, तो मैं आप सभी को इस चीज पे खुलासे करने वाला हूँ कि आखिर कैसे जॉब मिल सकता है आप सभी को, इस लाइन में आने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो इस वीडियो को आज यहीं पे इसी वक्त एंड करते हैं क्योंकि ज्यादा हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है और खाना खाऊंगा फिर आराम करूंगा, थोड़ी देर के बाद रूम को जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। Q&A की वीडियो कल के दिन मिलेगा आप सभी को शाम को 4:30 बजे, तो काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो।